Welcome to the Nursing Tricks Neurological Disorder. Hello friends, आज का टॉपिक है मास्थेनिया ग्रेविस. मास्थेनिया means मायो means मसल्स एंड स्थेनिया means वीकनेस एंड ग्रेविस means ग्रेव्स. इट इज ए ऑटोइम्यून डिजीज दैट अफेक्ट्स द स्केलेटल मसल्स. इसकी डेफिनेशन देखेंगे. It is a neurological disorder in which antibodies appear against acetylcholine and acetylcholine receptors, which is characterized by muscles weakness. इसमें क्या होता है कि जो acetylcholines और acetylcholine receptors के जो against antibodies हो जाती है, जैसे कि हमारा neuromuscular junction है जिसमें हमारा synapse है, two between two neurons, the axons and the neurotransmitter, the acetylcholine. Then it is acetylcholine receptors जिसमें कि हमारा जो कि एंटीबॉडीज है इसमें हमारे अंगेज हो जाती है. ये है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. वन न्यूरॉन्स अनदर न्यूरॉन्स द एसिटाइलकोलिन्स आर नॉट गोइंग थ्रू, दैट्स व्हाई द मसल्स वीकनेस हैपन. इसमें इंसिडेंस रेट क्या होता है, इसमें 20-40 ईयर्स इन वुमेन्स में होता है एंड 60-70 इन मैंस. फंक्शंस क्या है, एसिटाइलकोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है. देन इसमें क्या होता है कि ये मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, एक्टिवेट करता है पेन रिस्पॉन्स को, रेगुलेट करता है एंडोक्राइन फंक्शंस को एंड स्लीप को भी मेंटेन करता है. तो हम मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो हमारी मसल्स वीकनेस हो जाती है किसकी वजह से, जो कि हमारी एंटीबॉडीज जो है एसिटाइलकोलिन के अंगेंस्ट हो जाती है. देन हम कॉजेस पढ़ेंगे, अननोन एटियोलॉजी कुछ भी हो सकता है कॉजेज. देन थाइमस ग्लैंड ट्यूमर, अगर कोई थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर है जिसमें कि वो कि ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें कि हमारी खुद की एंटीबॉडीज हमारे अंगेंस्ट हो जाती है. देन आता है कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ. देन हम पढ़ेंगे कि जो मसल्स अफेक्ट करते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस में कौन कौन सी है. आई में क्या आता है, डिप्लोबिया डबल विजन हो जाएगा, और टोसिस, निस्टैग्मस एंड स्ट्रैबिस्मस जो कि क्रॉस आई होती है. जो इसमें अर्ली साइंस क्या होगा हमारा, टोसिस या डिप्लोपिया. तो फर्स्ट अर्ली साइन ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस इज टोसिस. ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कंपटीशन एग्जाम्स में. देन फेसेस में होता है पेलनेस, स्पीच में होता है स्लर्ड स्पीच, स्वेलोइंग में डिस्फेजिया, उनका जो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगा. रेस्पिरेटरी मसल्स मतलब वो भी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो उनमें डिसनिया हो जाएगा, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. देन आर्म लेग एंड नेक मसल्स ऑल्सो आर अफेक्टेड. देन हम चलते हैं नेक्स्ट पे. इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको हम पढ़ेंगे वीकनेस में. वीकनेस में हम वन बाय वन देखेंगे. डब्ल्यू मीन्स वीकनेस ऑफ द मसल्स जिसमें हमारा फेसिस, नेक, आर्म एंड लेग. देन आता है ई, ई फॉर आईलिड ड्रॉपिंग टोसिस जिसमें हमारा डबल विजन आता है. ए आता है अपीरियंस जिसमें हमारा स्लीपी अपीरियंस होगा, लिथार्जिक होगा. देन के फॉर कीप चोकिंग एंड गैगिंग ड्यूरिंग फीडिंग, मतलब जब वो खाना खाएगा तो उसमें चोक होने के चांसेस हो सकते हैं और गैग रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स करेगा. देन एन फॉर नो एनर्जी फटीग, मैंने बताया जैसे कि फटीग हो जाएगा, मसल वीकनेस नहीं होगी तो उसमें एनर्जी लॉस हो जाएगा. देन ई फॉर एक्स्ट्रा ऑक्युलर डिसफंक्शन जिसमें हमारा डिप्लोपिया और निस्टैग्मस आता है. देन आता है एस फॉर स्लर्ड स्पीच, सही से बोल नहीं सकेगा. देन एस फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. देन इज ऑल अबाउट वीकनेस द सिम्टम्स ऑफ द मसल्स अफेक्टिंग ऑफ द मायस्थेनिया ग्रेविस. ये सिम्टम्स भी हैं और मसल्स जो इफेक्टेड हुई हैं उनके द्वारा जो भी अलग अलग सिम्टम्स हैं वो शो करते हैं. इसकी शॉर्ट ट्रिक है वीकनेस, द शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ द मसल सिम्टम्स इज ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस इज वीकनेस. देन हम इसमें एक स्टार्टिंग, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि द स्टार्टिंग ऑफ द डे द स्लाइटली मसल्स वीकनेस एंड नो फटीग, मतलब जो होता है कि स्टार्टिंग डेज में मतलब शुरुआती दौर में जो होती है हमारी मसल्स वीकनेस कम होती है पर थकावट नहीं होती है. देन एट द एंड ऑफ द डे वर्सनिंग मसल्स वीकनेस एंड फटीग, मतलब जैसे जैसे दिन खत्म होता है तो हमारी मसल्स जो होते हैं वीकनेस हो जाती हैं और वर्सन हो जाती हैं और फटीगनेस आ जाती है. देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देन ब्लड इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट
एंटीबॉडीज टू एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स, डिटेक्ट करेंगे कौन सी एंटीबॉडीज जो हमारे अगेंस्ट हो रखी, सी टी स्कैंस, एम आर आई। देन हमारे में ये इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है टेंसिलोन एंडोफॉर्मियन टेस्ट, जिसमें हम कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं, जो कि होता है कि हमारा एंडोफॉर्मियम हमारा कोलिनर्जिक ड्रग है, जिसमें कि हम एडल्ट और इन्फेंट का अलग अलग डोज होता है, जिसमें एडमिनिस्टर वन डोज ऑफ एंडोफोनियम, ये आईवी डोज देते हैं एडल्ट में 1 to 2 mg, 1 to 2 mg डोज देंगे। पेशेंट गेट रिलीज सिम्टम्स, अगर पेशेंट में सिम्टम्स रिलीज होते हैं तो वो पॉजिटिव टेंसिलोन टेस्ट कहलाएगा, जिसमें मायसेनिया टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब जो इसमें एंडोफोनियम है एक लेवल होता है ब्लड में, अगर उस लेवल से ज़्यादा ये मेडिसिन शो करती है तो उसमें सिम्टम्स शो होते हैं। अब एडल्ट में हम 1 to 2 mg डोज देते हैं और इन्फेंट में 0.2 mg देते हैं। EMG करेंगे, जिसमें हमारा रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ हैंड मसल्स, जो कि इलेक्ट्रिक मायोग्राम होता है, जिसमें हमारे मसल्स एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। देन आता है हम मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमारा ड्रग्स एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस फाइसोस्टिग्मिन, पहले नियोस्टिग्मिन था फाइसोस्टिग्मिन हो गया है। देन आता है पायरोडॉक्सिटिन, देन नेक्स्ट आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करेंगे ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन। देन आता है नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मा फेरेसिस, इसमें क्या करते हैं हम जो एंटीबॉडीज को फिल्टर करते हैं, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जी IgG देते हैं, जिसमें हम अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें प्रोसेस क्या क्या कैसे कैसे फॉर प्लाज्मा फेरेसिस या एडमिनिस्ट्रेशन इम्यूनोजी के करते हैं। प्रोसेस हम पढ़ेंगे जिसमें हमारा होता है रिमूवल होल ब्लड थ्रू ए नीडल इन वन आर्म, एक आर्म से सारा ब्लड निकालेंगे, ब्लड वाया सेल्फ सेपरेटेड, सेल सेपरेटर होगा, जिसमें कि हमारा दो चीज होगी कंपार्टमेंट सेलुलर एंड कंपार्टमेंट प्लाज्म। कंपार्टमेंट सेलुलर में होता है द ए नीडल इंसर्टेड टू अपोजिट आर्म टू रिटर्न द ब्लड, अब कंपार्टमेंट सेलुलर से होते हुए जो ये ब्लड है वो अपोजिट आर्म में चला जाएगा। देन आता है कंपार्टमेंट प्लाज्म, इसमें क्या होता है अनडिजायरेबल कंपोनेंट इज रिमूव्ड एंड रिमेनिंग इज रिटर्न टू द पेशेंट ब्लड, मतलब इसमें जो अनडिजायरेबल प्लाज्मा होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करके डिफ्रेंशिएट करके उसको ब्लड में वापस भेज देंगे। देन प्लाज्मा इज जनरली एडमिनिस्टर विद नॉर्मल सेनाइन RL एल्बुमिन फ्रॉम फ्रोजन प्लाज्मा। ओके, देन आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम थायमेक्टमी करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम एस्पिरेशन, क्योंकि वो गैग रिफ्लेक्स शो करेगा और चॉकिंग भी शो करेगा, इसलिए उसको एस्पिरेशन से बचाना है। प्रोवाइड हेड एलिवेटेड पोजिशन ड्यूरिंग फीडिंग एंड ड्यूरिंग फीडिंग ट्यूब, ब्रेस्ट ट्यूब से भी या कैसे भी फीडिंग दे रहे हैं तो हमें उसको एलिवेट करना है। देन लार्ज ईटिंग मील्स इन मॉर्निंग टाइम, क्योंकि वो मॉर्निंग टाइम्स में थकान नहीं होता है, मसल्स वीकनेस कम होती है, तो उसको मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा खाना देना है। प्रोवाइड थिक डाइट, रेडी सक्शनिंग इक्विपमेंट एट बेड साइड टू मेंटेन एयरवे, अगर वो पेशेंट एस्पिरेट करता है या कुछ भी होता है तो सक्शनिंग इक्विपमेंट बेड साइड रेडी होनी चाहिए। असेस द मसल स्टेटस एंड इंस्ट्रक्ट टू द कंजर्व स्ट्रेंथ, उसकी मसल स्टेटस चेक करेंगे। प्लान फॉर शॉर्ट एक्टिविटीज करेंगे। इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट टू अवॉइड स्ट्रेस इन्फेक्शन एंड फटीग, एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करेंगे, स्ट्रेस अवॉइड करेंगे। देन असेस क्लाइंट टू एस्टेब्लिश रेगुलर एक्टिविटीज एंड रेस्ट प्रोग्राम, वो जो नॉर्मल एक्टिविटीज करता है उसी में उसको कंटिन्यू करेंगे। देन आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन, इसमें दो प्रोसेस होते हैं मायस्थेनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस, दो बहुत होते हैं। इसमें क्या होता है पहले हम पढ़ेंगे मायस्थेनिया क्राइसिस, एक्यूट वर्सनिंग कंडीशन सीवियर फटीग मसल वीकनेस, मतलब मायस्थेनिया क्राइसिस में क्या होता है कि जिसमें कंडीशंस वर्सनिंग हो जाती है और जो फटीगनेस है वो ज़्यादा हो जाती है, मसल्स वीकनेस भी ज़्यादा हो जाती है। इसका कॉज है अनरिकॉग्नाइज प्रोग्नोसिस, मतलब हम देन इसमें आता है कॉज अनरिकॉग्नाइज प्रोग्नोसिस, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो, इन्फेक्शन हो, स्ट्रेस, तो हम उसके लिए टेंसिलोन टेस्ट करेंगे, जिसमें मैनेजमेंट है इंक्रीज डोज ऑफ एसिटाइल कोलिनर्जिक सब्सटेंस,
फाइसोस्टिग्मिन की हम डोज बढ़ा देंगे, ठीक है। देन हमारा आता है कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होता है कि ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, अब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की ओवरडोज हो गई है तो उसमें क्या करेंगे हम, टेंसिलोन टेस्ट या एंडोर्फोमियम, जिसमें हम इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स, हम टेंसिलोन से एंडोर्फोमियम देके देखेंगे जिससे हमारे सिम्टम्स शो हो जाते हैं, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स, ज्यादा सिम्टम्स शो हो जाते हैं। देन नेगेटिव माइस्थेनिया ग्रेविस, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे। देन साइनेप्शन एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, एक्सेसिव सलाइवेशन, ब्रैडीकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, देन डिसिप्निया ड्यू टू ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, प्यूपिल कॉन्ट्रेक्शन, ब्लड विजन। टेंसिलोन टेस्ट से हम डायग्नोज करेंगे इसको। मैनेजमेंट क्या है, विदहोल्ड करेंगे एंटीकोलिनर्जिक्स एंड प्रोवाइड एंटीडोट एट्रोपिन सल्फेट, जो कि एंटीकोलिनर्जिक्स का एंटीडोट है, क्या, एट्रोपिन सल्फेट। रेडी ट्रेकियोस्टोमी एंड इंट्यूबेशन ट्रे एट बेड साइड, हम उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा वर्सन कंडीशन में ना चले जाए इसलिए हम ट्रेकियोस्टोमी और इंट्यूबेशन का सामान रेडी करेंगे। चार कोड ट्रायड न्यूरोलॉजिकल फीचर्स जिसमें आता है डिसरिथमिया, इंटेंशनल ट्रेमर्स, निस्टैग्मस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।